700 ग्राम मटन लिया है, और ये 100 ग्राम दही है, और ये मसाले हैं जिसमें 2 टीस्पून ये धनिया है, 1/4 टीस्पून ये हल्दी है, 1 टीस्पून ये कुटा भुना जीरा है, 1 टीस्पून ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर है कश्मीरी, और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स में दोनों है, दोनों मिर्चें हैं ये, और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और मैंने 2 अनियन ये मैंने लेके इसको ये फ्राई कर लिया था, जिसकी वीडियो हमारे बेहतरीन जायका चैनल पे भी डली हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं इसको। और ये मैंने 2 टीस्पून भर के ये तेल लिया है, ये 10-12 करीब कच्ची मूंगफलियाँ हैं, और ये 8-10 ये काजू हैं, 8 ही 10 ये बादाम हैं, बाकी थोड़े से ही हमने मखाने लिए हैं, और जो इसमें खड़े मसाले जाएंगे वो इसमें ये हैं, ये 2 तो इलायची है, 3 ये लौंग है, 1 जावित्री का ये फूल है, ये आधा सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है ये भी इसके अंदर है, और ये चक्री फूल है जो हमने थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया है, ये बड़ी इलायची है, और ये 8-10 काली मिर्च है, और ये 3 करीब तेज पत्ते हैं, और थोड़ा सा ये हमने 1 टी स्पून केवड़ा है, 1 टी स्पून ही हमारा ये नमक है जो इसमें हमारे जाएगा, अभी हम मैरिनेट करेंगे इसको। हमने जो है थोड़ा सा ये रोस्ट करना है ये मूंगफली और तिल को, अगर आप चाहें तो आप अगर ये ड्राई फ्रूट्स ना डालें तब भी आप इसको अगर डालेंगे तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मूंगफली और तिल का ये भी काफ़ी अच्छा होता है, बना के आप देखें एक दफ़ा, ये काफ़ी अच्छा इसका भी टेस्ट होता है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें ये तेल डालकर और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, और ये मूंगफली भी इसके साथ ही डाल देंगे, इन दोनों को हमें हल्का रोस्ट करना है। ये देखें ये हल्की हल्की चटक रही है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, बस हल्का सा इसको करना ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। ये हमारा जो है 4-5 सेकेंड में, यानी कि ये हमारा ये, अगर आपकी कढ़ाई गर्म हो तो ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है। अब ये हमारा जो है रोस्ट हो चुका है, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, अब ये रोस्ट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। अभी देखें हमने ये तिल जो है रोस्ट कर लिया था, इसे कलर देखें अभी हल्का सा ही ब्राउन हुआ है, बस इसी तरीके से आप इसको तिल और मूंगफली को रोस्ट कर लें। अब हम आपको इसी कढ़ाई में मखाने भी हमें जो है फ्राई करने हैं, तो हमने इसके लिए रिफाइंड ऑयल लिया है, ये हम रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देते हैं थोड़ा, इसी में ही हम मखाने अपने जो है रोस्ट कर लेंगे। ये देखें आप हल्का ही सही हमें इसको भी रोस्ट करना है ताकि ये जले नहीं। बस इसी में ही हम ये काजू और ये बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। अभी हमारे दोनों रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं, सारों को हम निकाल लेंगे अभी। ये देखें हमारे बादाम, ये काजू और ये मखाने हमने जो है रोस्ट कर लिए थे, ये हमारे हो चुके हैं, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा लाल नहीं, बस इतना ही होगा तो अच्छा लगेगा ये, और थोड़ा इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है जब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ये हमने तिल और मूँगफली का जो पेस्ट था वो हमने ये तैयार कर लिया है, अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। ये हमने इसमें ये सारे पेस्ट डाल दिए हैं, और इसमें ये सारे मसाले हमारे जाएंगे, ये धनिया पाउडर, जीरा, और ये सारे मसाले जो हमारे हैं, ये सारे मसाले हमारे इसमें जाने वाले हैं, और इसमें हम ये आधी दही जो हमने 100 ग्राम ली थी इसमें से हम आधी डालेंगे, और आधी हम प्याज के साथ जो है इसको हम पेस्ट बना के बाद में डालेंगे, और ये हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी इसमें जाएगा, और अब हम इसको क्या हम इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने अनियन लिया था फ्राई करके, ये देखें ये भी हम इसमें जो है इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे।
जिसमें हमारी दही जाएगी, कि हम दोनों जो है दही और इसका अनियन का फ्राई अनियन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने ये सारे मसाले मटन में डाल दिए हैं। अब ये जो हमने नमक लिया था 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम हाथों से इसको मिक्स करके और इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारा मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हैं, और नहीं तो फिर ये हाथों हाथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, हम ये मटन हमारा मैरिनेट हो गया है। ये देखिए, इसको हमें छोड़े हुए आधा घंटा हो गया था रखे हुए, अब ये पकने के लिए तैयार है। अब हम इसको दिखाते हैं। अभी ये हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया था, और ये वही वाला तेल है जिसमें हमने ये प्याज फ्राई करके निकाला हुआ था। ये करीब 100 ग्राम है। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये खड़े मसाले डालेंगे, ये तेज़पत्ता और ये सारे काली मिर्च वगैरह, ये सब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। अब हम इसमें ये मटन के पीसेस डालेंगे। ये हमने सारे मटन के पीस डाल दिए हैं। अब हम इसको इसी मसाले के साथ करीब 5 मिनट इसको हम भूनेंगे, ये देखें, ताकि ये मसाले का कच्चापन भी चला जाए, उसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाए। ये देखें, ये हमारा 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। ये देखिए, हमें 5 मिनट इसको हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया था प्याज और दही का, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये शाही मटन कोरमा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही जो है टेस्टी बनता है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम हमें लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। ये देखें आप, अभी से हम 1 मिनट और भूनेंगे। अभी देखिए, इसका तेल जो है ये अलग होने लगा है, इसका मतलब ये हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। ये देखिए आप, देखिए इसे हम 1 मिनट और भूनेंगे। ये देखें, ये हमारे करीब 2 मिनट हो गए हैं। ये हमने इसको 2 मिनट तक भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो हमने तिल और मूंगफली रोस्ट करके डाले थे, इसकी हमारे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, अब हमारा ये शाही मटर कोरमा अच्छे से ये भुन चुका है। ये देखिए, अरे हमें 2-3 मिनट हो गए थे इसको भूनते में। इस तरीके से ये तेल आने लगे ऊपर, तो समझिए आपका कोरमा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें ये एक बाउल जो हमने पानी है वो डालेंगे, जो हमारा प्याज के पेस्ट में था। इसमें हमने प्याज का पेस्ट बनाया था दही के साथ, वही वाला है ये बाउल। इसमें मसाले लगे थे, हम इसमें जो है एक बाउल इससे पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें, क्योंकि ज़्यादा पतला अच्छा नहीं होता ये, आप ये देखें आप। अब हम इसमें जो है ये ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का, और इसे हम करीब 4 सीटी करीब लगा लेंगे इसको, 8 से 10 मिनट तक इस पर हाई फ्लेम पे रखेंगे इसको। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, इसमें हमारी जो है 4 सीटी भी आ गई है। अब हम आप उसको दिखाते हैं।
ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो है थोड़ा ये गरम मसाला जो है होममेड, ये भी हम डाल देंगे, और ये क्योरा वाटर ये भी डाल देंगे, और ये जो हमने ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे बादाम काजू और ये मखाने, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, देखें। अब इसे हम करीब 5 मिनट इसको इसी तरीके से प्रेशर में छोड़ देंगे, उसके बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे कितनी है। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये हमारा मटन शाही कोरमा बनकर तैयार है।